हम बीच सड़क पुलिस और पब्लिक के बीच हुए फैटम फैटी का ये वीडियो भागलपुर का है, जहां चालान को लेकर पुलिस और बाइक सवार के बीच झगड़ा हो गया। बात हाथापाई से शुरू हुई और शर्ट फाड़ने तक चली आई। एक दूसरे पर यूं टूट पड़े कि शर्ट तक फाड़ डाला। बाइक सवार ने पुलिस वाले के शर्ट का बटन तोड़ डाला तो वहीं पुलिस वाले ने बाइक सवार को थप्पड़ जड़ दिया। क्या बड़ा वो यहाँ पे है? बोल दे बाबू। बोल दे। उसको भगा ले। भाई। हम खड़ा हैं। लेकिन खाली का। कट्टा पार भी आ रही है ना? इधर। बस भाई कर। इधर कोई। यम। बैठ। बैठा है इसका झाड़ू पड़ा है। थोड़ा। भाई थोड़ा ही ले। थोड़ा। भाई थोड़ा ही ले। चलिए चलिए। मामला जिले के समरनाले चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान का है, जहां बीते दिन वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक को रोका। इस दौरान दोनों के बीच बहस होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। पूरा मामला आपको बता दें कि बाइक सवार व्यक्ति का पेंडिंग चालान दोपहर में ही पुलिस वालों ने काट दिया था। पेंडिंग चालान कटने के बाद व्यक्ति वहां से चला गया, लेकिन जानकारी के मुताबिक बाइक सवार व्यक्ति दोबारा वहीं कुछ ही घंटे बाद आता है और ट्रैफिक में तैनात सिपाही अमलेश कुमार से ये कहकर भिड़ जाता है कि उसका चालान क्यों काट दिया गया। इसके बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। नौबत यहां तक आ जाती है कि तैनात ड्यूटी पर सिपाही अमलेश की शर्ट को फाड़ दिया जाता है। हालांकि शख्स की तरफ से पहले पुलिस पर थप्पड़ मारने का भी आरोप है। युवक बार बार यही कहता नजर आ रहा है, सवाल पूछता नजर आ रहा है कि अगर मेरी कोई गलती थी तो जुर्माना लगाते, मुझे थप्पड़ क्यों मारा, ये अधिकार आपको किसने दिया। खैर, अब गलती किसकी है ये तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन पूरी घटना सामने आने के बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। अधिकारी अब उस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं।